कल को अगर आप बीमार पड़ जाओ, दो दिन नहीं लगेगा आपके बॉस को आपको एक नोटिस भेजने के लिए कि वी हैव स्टार्टेड लुकिंग फॉर समवन एल्स, वो लोग आपका रिप्लेसमेंट ढूंढना चालू कर देगा। अ मैन हु इज नॉट कंटेंट अबाउट हिज हेल्थ कैन नॉट बी अ मैन, ये आप समझो, ये चाणक्य क्या बोलता है आपको। फिर से देखते हैं 105.8। ये है मेरा आज का लंच, ये है एयर फ्राइड जूसी चिकन, थोड़ा सा ज़्यादा हो चुका है वेल्डन, लेकिन मुझे ये सब पसंद है। उसके साथ है ऑमलेट, उसके साथ है 150 ग्राम सम राइस, परफेक्ट कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन का मिक्स, इसको खाया जाए। इस पार्टी हो रहा ना कि आप जितना भी एफ्राई कर लो अंदर ना एकदम जूसी रहेगा, तो ये एयर फ्राई करने का बहुत बड़ा है। देख अंदर देखिए, पूरा जूसी अंदर, पूरा जूसी रहता है। दूसरे तरीके से चिकन मिलने से वो अंडर ड्राई हो जाता है और खाने में अच्छा मिलता है, चबाना पड़ता है बहुत। अभी हम लोग चलेंगे काम पे, खावा के निकला हूं। वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग गाइस, वेलकम बैक, थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन टू बिग बॉस जोन। आज है डे 16, 300 ग्राम वजन कमा है मेरा। गाड़ी को बाहर निकाल लेते फिर आपसे बात करते हैं। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग, वेलकम बैक टू बिग ब्रो जोन, एंड थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू डे 16 ऑफ फैट टू फिट। आज मेरा वेट थोड़ा सा कमा है। देखिए मैं आप लोग को एक चीज समझा देता हूँ, आप लोग अगर ये ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो ना तो आप लोग को बहुत टाइम ये लगेगा कि आपका वेट कम नहीं रहा है, लेकिन वेट कमने के साथ फैट कमने का कोई कनेक्शन नहीं है। वेट दो टाइप का होता है, वेट एक होता है मसल वेट, एक होता है जो आपका बॉडी का फैट है उस चीज का वेट। अभी मेरे साथ जो हो रहा है कि वेइंग स्केल में मेरा वेट ना भी कमे, लेकिन मुझे अपने बॉडी पे डेफिनेशन दिखाई दे रहा है, मतलब मेरा फैट कम रहा है। मैं एक एविड जिम गोअर हूँ और मैं जिम जाता हूँ तो उसके साथ क्या होता है, मेरा मसल भी बिल्डअप हो रहा है, तो वेइंग स्केल में अगर मुझे ना भी दिखे तो मुझे भरोसा है कि मेरा वेट कम रहा है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो कि आपका वेट नहीं कम रहा है लेकिन आपको समझ आएगा कि आप डाइट कर रहे हो, सब कुछ ठीक कर रहे हो, तो आप लोग हाल ना छोड़े, आप लोग उस पर टेंशन मत ले क्योंकि आपका वेट कम रहा है। जस्ट कीप गोइंग, जस्ट कीप गोइंग। कैसे चला रहा है भाई भाई? मैं अभी चाणक्य नीति पढ़ रहा था और इसमें बहुत अच्छा सा बात मुझे दिखाई दिया जो मुझे लगा कि मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। कि चाणक्य हमेशा मानता था कि हमारा जो बॉडी है उसे आप लोग मंदिर से नीचे ट्रीट मत कीजिए। ऑब्वियसली हम लोग जीवन में बड़े होने के लिए हम लोग का बहुत कर्तव्य है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, हम लोग को पढ़ाई करना पड़ता है, हम लोग को अपने आप को उस काबिल बनाना पड़ता है कि हम लोग अपना एक लिविंग अर्न कर पाए और हम लोग अपने परिवार को सब कुछ दे पाए, हम लोग अपने लिए भी सब कुछ मांग पाए। जब हम लोग का उम्र बहुत यंग होता है, हम लोग का बॉडी में जब दम होता है, हम लोग का एनर्जी लेवल्स बहुत हाई है, तब हम लोग सब कुछ इन्वेस्ट करते हैं इन अटेनिंग अ फुलफिल लाइफ ऑफ फुलफिलमेंट। मतलब हम लोग ऐसा लाइफ को कोशिश करते हैं कि मेरे पास बहुत सारा पैसा हो, मेरा एक जॉब हो जहाँ पे मेरा एक जॉब सिक्योरिटी हो, मेरा पोजीशन हो एक कंपनी में, मुझे थोड़ा सा इज्जत मिले, हम लोग सब कुछ चेज करते हैं बस एक चीज छोड़ के, वो है हमारा हेल्थ, हमारा बॉडी। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम जो आप देख रहे हो, जो मैं शुरू किया हूँ, इसमें ना ही आप बस अपना फैट कमाओगे, नहीं, मुझे नहीं चाहिए कि आप आज फैट कमा लो कल आप पिज्जा बर्गर खा के फिर से आप मोटे हो जाओ, ये नहीं। मुझे आपको समझाना है कि आपके बॉडी का इम्पोर्टेंस क्या है, मुझे आपको ये समझाना है कि आपका बॉडी ही आपका सबसे बड़ा एसेट है और आपका बॉडी ही आपका सबसे बड़ा संपत्ति है, आपका बॉडी ही आपका सबसे बड़ा प्रॉपर्टी है। ये हम लोग को तब तक दिमाग में नहीं आएगा जब तक हम लोग अकेले एक हॉस्पिटल रूम में अकेले बैठ के बेड में भर्ती होकर नहीं पड़े हुए रहेंगे और हमारे साइड में कोई नहीं रहेगा। कल को अगर आप बीमार पड़ जाओ,
दो दिन नहीं लगेगा आपके बॉस को आपको एक नोटिस भेजने के लिए कि वी हैव स्टार्टेड लुकिंग फॉर समवन एल्स, वो लोग आपका रिप्लेसमेंट ढूंढना चालू कर देगा। अगर आप कल को बीमार पड़ जाओ, नो मैटर आपको अपना परिवार कितना भी प्यार करता हो, एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद आपका परिवार भी आपके ऊपर तंग आ जाएगा कि भाई इतना इसके पीछे मेरा इतना एनर्जी जा रहा है, कितना करेगा, आप उठ नहीं पाओगे, आप बाथरूम नहीं जा पाओगे, फिर आपका परिवार आपके पीछे एकदम स्ट्रेस्ड आउट हो जाएगा। तो मैं आप लोग को ये समझा रहा हूँ, जितना इम्पोर्टेंस आप लोग अपने करियर में देते हो, जितना इम्पोर्टेंस आप लोग अपने जॉब में देते हो, जितना इम्पोर्टेंस आप लोग अपना पैसा हासिल करने में, शोहरत हासिल करने में, नाम सोसाइटी में, इज्जत हासिल करने में सोसाइटी में लगाते हो, उससे डबल इम्पोर्टेंस आप अपने हेल्थ में दो। क्योंकि भाई जब ये हाथ से निकल जाएगा ना, सब कुछ आपके पास होगा 50-60 साल की उम्र तक। एक लड़के को तो 30-35 के बाद ही सब कुछ मिलने लगता है, जॉब सिक्योरिटी, एक अच्छा घर, बीवी, बच्चा, सब कुछ होने लगता है। जब आपके पास हेल्थ नहीं रहेगा, जब आपके पास शरीर नहीं रहेगा, आपका शरीर काम नहीं देगा, वो सब कुछ मायने नहीं रखता और सब कुछ आपको लगेगा कि ये मैंने क्या कर दिया, ये सब बेकार ही तो था। स्टार्टिंग से मैं रॉन्ग चीज को चेज कर रहा था। अ मैन हु इज नॉट कंटेंट अबाउट हिज हेल्थ कैन नॉट बी अ मैन, ये आप समझो, ये चाणक्य क्या बोलता है आपको। प्रायोरिटीज ठीक करो, आपको अच्छा जीना है अपने बच्चों के लिए, आपको अच्छा जीना है कि आप अपने बीवी, माँ बाप सबका ध्यान रख पाओ। अगर आप एक लड़के हो, इफ यू आर अ मैन, ये आपका कर्तव्य है, ना ही वो लोग आपका ध्यान रखेगा। तो अगर आप बेड रेस्ट हो जाते हो, आप अपने बच्चों के साथ पार्क में दौड़ नहीं पाते हो, आप उनके साथ खेल नहीं पाते हो, आप किस बात का मैन हो भाई, किस बात का आप लड़के हो। तो भाई देखो, हम लोग ना डाइटिंग के साथ, मैं आप लोग को बोला था आप लोग कुछ भी खा सकते हो, मैं ब्राउनी खा रहा हूँ, केक खा रहा हूँ, सब कुछ खा रहा हूँ। तो एक पॉइंट के बाद क्या होता है, हम लोग का वेट लॉस जो होता है, बॉडी वेट प्रिजर्व करने लगता है। अभी मेरा भी 2-3 दिन से मैं देख रहा हूँ मेरा वेट नीचे जा नहीं रहा है, तो मैं आज शॉक थेरेपी का काम करूँगा, फैट बर्निंग फिर से चालू हो जाए। जीता जागता प्रमाण आप लोग का यहाँ है, मैं लिटरली ब्राउनी खा के, सब कुछ खा के और वेट लॉस भी करेंगे। ब्राउनी है यहाँ पे, ब्लैक फॉरेस्ट केक है, सब खा रहा हूँ, ये सब भी जंकी है। अभी घर, बहुत मेरे को भूख लगा, ये है बटर लगा के तंदूरी रोटी, बटर चिकन और चिकन का भरता, बटर चिकन ग्रेवी के साथ, और ये है तंदूरी चिकन।